हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पी वी इलेक्ट्रोटेक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो नॉलेज जो कि देखिए, यहाँ पे एक ब्रेक स्विच है अपने पास जो 4 पॉइंट वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि एक आपकी गाड़ी में यूज़ होता है, बोलेरो पिकअप में यूज़ होता है, बोलेरो आपका जो SLX उसके अंदर भी आपका यूज़ होता है, उसके बाद में आपका मैक्सिमा में भी यूज़ होता है, सुपर में भी, स्कॉर्पियो में भी, मतलब बहुत सी गाड़ी में यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर 4 पॉइंट है अपने, दो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं बड़े पॉइंट है, और नीचे दो है आपके छोटे पॉइंट है। दोस्तों, ये जो 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, कौन से भी साइड के आपके रह सकते हैं। उसके अंदर आपका 12 वोल्ट रहता है, इग्निशन से आता है, मतलब जैसे इग्निशन ऑन करेंगे तो इसके अंदर 12 वोल्ट आ जाएगा दोनों पॉइंट के ऊपर। फिर आपका ये 2 पॉइंट से आउटपुट देता है, एक आपका जो ब्रेक लाइट रहता है, जो आपके पीछे ब्रेक लाइट लगती है उसके लिए, और एक आपका देता है ECM के लिए। ओके दोस्तों, तो वीडियो पे बने रहिए, सभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं वीआईपी में कैसे जो वर्क करते हैं। एक जो पॉइंट आपका ENO का रहता है, मतलब नॉर्मली ओपन, और आपका एक जो है नॉर्मली क्लोज, मतलब आपका जो रिले 5.1 पिन का जो माइक्रो रिले वो जैसे वर्क करता है, वैसे ही आपका जो ये स्विच है, ब्रेक स्विच वर्क करता है। तो 5 पिन माइक्रो रिले का आपने वीडियो नहीं देखा है, अभी हमने चैनल पर डाल दिया है, तो इस वीडियो के आखिर में हम उसको दे देंगे एंड स्क्रीन में, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। देखिए अभी इसके अंदर आपके 4 पॉइंट है, तो आपका ये क्या करेगा, अभी आप पहले ये समझ लीजिए कि अभी ये जो अपना स्विच है, ऐसे जो प्रेस है, देख ओके दोस्तों, अभी जो गाड़ी के अंदर जैसे जब भी फिट होता है दोस्तों ये, तो आपका ये ऐसे कभी रहता है, जब भी ओपन कभी रहता है, जब भी आपका अभी ओपन कंडीशन में आप देख सकते हैं, ये ऐसे दबा देंगे तो क्लोज कंडीशन में हो जाएगा, अभी ओपन है तो आपका कभी ओपन रहेगा, जब आप जो ब्रेक पैंडल आप जैसे प्रेस करते हो तो आपका ऐसे रहता है, जब भी ब्रेक पैंडल आप प्रेस नहीं करते हो तभी, जो ब्रेक पैंडल इसको ऐसे दबा के रखते हैं, जैसे ब्रेक पैंडल आप प्रेस करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा, मतलब पीछे जो ब्रेक लाइट है उसके लिए सप्लाई निकलेगा, और इसी एक पिन पे से आपका ECM के लिए भी सप्लाई निकलता है। मैं आगे आपको सभी प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पर बनी रही। तो देखिए, जैसे आपका ब्रेक पैंडल आपने प्रेस किया तो आपका ऐसे ओपन हो जाएगा, मतलब आपका जो ब्रेक लाइट के लिए सप्लाई निकलना चालू कर देगा, ब्रेक पैंडल आपने छोड़ दिया तो ऐसे ये जो देख रहे हैं आपका ऐसे क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा तो आपका क्या करेगा, एक जो सप्लाई ECM के लिए देगा, और ओपन हो जाएगा तो भी आपका जो सप्लाई ECM के लिए देगा और ब्रेक लाइट के लिए देगा, जब भी आपका ओपन रहेगा तभी, क्लोज रहेगा तो खाली जो ECM के लिए देगा। तो चलिए आपको फटाफट से जो कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो इसके अंदर देखिए, दो आपके बड़े पॉइंट और दो छोटे, तो इसके अंदर मैं भी एक कनेक्टर इसके कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, दो छोटे कनेक्टर है अपने पास और दो बड़े, मतलब दो छोटे पिन और दो बड़े पिन, इसको ऐसे लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको मैंने कनेक्ट कर लिया, जो कि जो छोटे पॉइंट है उसके ऊपर दोनों जो रेड वायर कनेक्ट कर ली, और जो दो बड़े पॉइंट थे उसके ऊपर येलो वायर कनेक्ट कर ली, देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी ये दो आपस में अभी ऐसे हम इसको शॉर्ट कर देंगे, तो क्यों वाला क्यों, तो इसके ऊपर अपने को अभी 12 वोल्ट देना है, जो सप्लाई यहाँ पे देखिए ग्रीन वायर के अंदर अपना यहाँ पे 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे हम इसको दे देंगे। ओके दोस्तों, तो इसके अंदर अपने दोनों जो पॉइंट है, एक आपका छोटा पॉइंट एक बड़ा पॉइंट, तो उसके ऊपर आपका 12 वोल्ट रहेगा, और ये आपका दो आउटपुट निकालेगा, आपका एक ब्रेक स्विच के लिए और एक ECM के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं मैं अभी जो अगला कनेक्शन है। देखिए यहाँ पे दो बल्ब है अपने, तो जो बड़ा बल्ब है 21 वाट का, तो ये आप क्या ब्रेक लाइट के साथ अभी अटैच करेंगे, और जो आपका T10 जो बल्ब है, आपका जो ECM के लिए जो सप्लाई निकलेगा उसके साथ अटैच करेंगे। तो इसको पहले मैं ग्राउंड कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए ब्लू वायर अपने पास ग्राउंड की, तो इसके ऊपर दे देंगे। चलो देखिए, इसको मैं एक यहाँ पे ग्राउंड दे दिया, और इस बल्ब की भी एक ग्राउंड यहाँ पे कर देंगे, और इसको ये दो दोनों बल्ब, इसको आउटपुट का कौन देगा, आपका ये जो ब्रेक स्विच है। तो अभी देखिए, ये जो देख रहे हैं अभी, ये जो 21 वाट का बल्ब है यहाँ पे, तो हम इसको कहाँ पे कनेक्ट करने वाले, जब भी आपका ब्रेक लाइट जब भी ऑन होगा गाड़ी के अंदर, तभी तो उस पिन के ऊपर हम कनेक्ट करने वाले। तो देखिए वो कौन सी पिन है आपकी, जो बड़ी वाली पिन है यहाँ पे, देखिए उसके अंदर हमने येलो वायर कनेक्ट करके रखी है। देखिए, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए अपना जो लाइट है यहाँ पे ग्लो कर गए, देख सकते हैं, क्योंकि अपना जो ब्रेक का जो स्विच है अभी जो ओपन कंडीशन में, ऐसे जैसे मतलब आपका ब्रेक अभी प्रेस है, उस कंडीशन में आपका ऐसे रहता है ओपन कंडीशन में, देख सकते हैं, जैसे इसको प्रेस करेंगे तो आपका क्लोज कंडीशन में आ जाएगा, मतलब ब्रेक पैंडल जैसे आप छोड़ देंगे तो ऐसे क्लोज कंडीशन में आ जाएगा।
ओके थोड़ा सा इसको मैं ऐसे साइड को रखता हूँ तो कि वीडियो की क्लियरिटी बनी रहे। तो देखिए अभी ये जो दूसरा बल्ब है इसका जो एक पॉइंट है यहाँ पे देखिए, जो छोटे पिन का एक जो आपका जो छोटी पिन थे तो एक के ऊपर हमने जो 12 वोल्ट दे दी और दूसरे पिन के ऊपर ये जो बल्ब को जो सप्लाई देना है अपने को वो देंगे। मतलब ये आपका सप्लाई कहाँ पे जाता है दोस्तों, ECM के अंदर जाता है, जो सिग्नल सप्लाई रहता है जिसके अंदर हमने जो छोटा बल्ब कनेक्ट कर लिया और दूसरे के ऊपर हमने ये जो बड़ा बल्ब कनेक्ट कर लिया। तो अभी चलिए आपको मैं अभी करके दिखाता हूँ जो वर्किंग है इसका। देखिए जैसे इसको प्रेस किया तो आप देख सकते हैं आपका ये बल्ब ये आपका बंद हो गया और ये चालू हो गया। जैसे इसको प्रेस करूँगा देख सकते हैं आप यहाँ पे, मतलब अभी क्या है दोस्तों आपका जो ब्रेक स्विच है आपका वो भी क्लोज कंडीशन में, मतलब आपने अभी ब्रेक नहीं दबाया तो ये एक सप्लाई आपका कहाँ पे निकालेगा, ECM के लिए, मतलब ECM को सिग्नल देगा कि अभी जो है ब्रेक अपना प्रेस नहीं है। ओके जैसे ही ब्रेक आप प्रेस करेंगे मतलब ये स्विच क्या है आपका ओपन हो जाएगा। देखिए तो तुरंत आपका जो है NO पॉइंट से सप्लाई निकालना चालू कर देगा, क्लोज रहेगा तो NC पॉइंट से, मतलब ये जो आपका NC पॉइंट है जो छोटा वाला पिन था वो NC पॉइंट है और जो बड़ी वाली पिन है आपकी NO पॉइंट है, नॉर्मली क्लोज है। अभी देखिए स्विच अपना नॉर्मली क्लोज है तो आपका ये बल्ब ग्लो कर रहा है और जैसे ओपन हो जाएगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा, ये बंद हो जाएगा और जो ब्रेक लाइट का बल्ब है अपना ग्लो करेगा और यही सप्लाई आपका एक ECM के अंदर भी जाता है, जो ब्रेक लाइट के लिए जो सप्लाई निकलता है वही आपका एक ECM के लिए भी जाता है। मतलब क्या है दोस्तों, ये आपका जो है ECM को सिग्नल देता है कि अपना ब्रेक अभी प्रेस है, मतलब अभी ये स्विच आपको ओपन कंडीशन में रहेगा तो आपका ब्रेक जो है प्रेस रहेगा, तो वो भी सिग्नल एक ECM को भी देता है और ब्रेक लाइट आपको ऑन रहता है उस कंडीशन के अंदर, और उसी सप्लाई से एक ECM को भी पता चलता है कि अपना जो है ब्रेक अभी अपना प्रेस है। जैसे आप क्लोज करेंगे मतलब आप जैसे ब्रेक छोड़ देंगे तो आपका फिर से जो ब्रेक इसको या जो ये जो स्विच इसको प्रेस कर देगा तो फिर से जो ECM को एक सिग्नल मिलता रहेगा कि अभी अपने जो ब्रेक है जो अपने नहीं दबाया है। ओके तो जो इस वायर से मतलब ये बल्ब अपना चलता रहेगा तो ECM जो ये सप्लाई आपका ECM को जाता रहता है कि हमने अभी जो ब्रेक है अभी नहीं दबाया, जैसे ही दबाएंगे तो ये सप्लाई हट जाएगा और यहाँ से ब्रेक लाइट का अपना ऑन हो जाएगा और वही जो एक सिग्नल फिर से ECM को जाएगा। जैसे ही ब्रेक पेंडल हमने छोड़ दिया देखिए फिर से अपने जो स्विच है अपना प्रेस हो गया तो फिर से जो ECM को एक सिग्नल मिलता रहेगा जो 12 वोल्ट का कि हाँ भाई अभी जो ब्रेक पेंडल नहीं दबाए। तो ऐसे दोस्तों वर्क करता है, देखिए देख सकते हैं ब्रेक पैंडल आपका जैसे प्रेस होते रहेगा उसी हिसाब से आपका ये वर्क करेगा। देखिए मतलब आपका ये ब्रेक लाइट का भी चल जाएगा तो आपका जो ECM को सप्लाई जाएगा तो हट जाएगा और ये जो पॉइंट इस पे से जाएगा, जैसे ही आपका ब्रेक लाइट आपका ऑफ हो जाएगा मतलब ये आपका स्विच जो है आपका क्लोज कंडीशन में आ जाएगा, मतलब आप जैसे ही ब्रेक पैंडल छोड़ देंगे उस कंडीशन के अंदर आपका एक जो सिग्नल ECM को जाता रहेगा कि अपना जो ब्रेक पैंडल अभी नहीं दबाए, जैसे आप दबाएंगे तो स्विच आपका रिलीज़ हो जाएगा मतलब ओपन कंडीशन में आ जाएगा तो आपका सप्लाई निकलना चालू कर देगा जो पीछे ब्रेक लाइट है उसके लिए और एक ECM के लिए। ओके दोस्तों देख सकते हैं अभी ऐसे वर्क करता है। ओके दोस्तों तो आशा करो तो आपको जो ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने जो हमारे चैनल के ऊपर आपको बहुत डिटेल में जो है समझाया जाता है सारी जो चीज़, तो इसके जो पूरा जो वायरिंग का वीडियो भी अभी हम करने वाले जो कि इसकी पूरी वायरिंग कैसे होती है जो स्विच की जो गाड़ी के अंदर ये जो स्विच ब्रेक स्विच की इसकी पूरी जो वायरिंग कैसे होती है उसका भी वीडियो जल्दी हमारे चैनल के ऊपर आ जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आपको जो वीडियो का जो आपको वीडियो मिलती रहे और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको जो नोटिफिकेशन उसका आता रहे, आप कौन सा भी वीडियो मिस ना करें। ओके दोस्तों तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम।